हेलो गाइस, तो मैं हूँ रोहित और आज हम बीएससी सेकंड ईयर रियल लाइन इंटरवल एंड बाउंड्री सेट एग्जांपल नंबर 21 और पेज नंबर है इसका 57। इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं आज। जी एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मॉडुलस में है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस नाइन, मॉडुलस लेस देन 21, ठीक है। तो इसकी हम सबसे पहले इसको गिवन मान लेते हैं, ठीक है। मतलब गिवन गिवन इनक्वालिटीज, ठीक है। शोर में लिख रहा हूँ इनक्वालिटीज को, ठीक है। तो मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस नाइन लेस देन 21, ठीक है। तो क्या करना है, हमने इस वाली चीज़ को एक बार लेफ्ट हैंड साइड मान लो और इसको राइट हैंड साइड मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस नाइन, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम मॉडुलस को ओपन कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस नाइन, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम इधर हमें, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, करके हमें बिल्कुल रिपीट यही टर्म आनी चाहिए, ठीक है। और हमें सबसे मेन फोकस किस पे रखनी है, 1/4 पे, ठीक है। हमें 1/4 चाहिए इन क्वेश्चनों में, ठीक है, डिवाइड में 1/4। तो करते हैं इसमें एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 35 इंटू 1/4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखो, जब मैं इस चीज़ को पूरी को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है। तो इसको मैं रफली सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, मेरे को 1/4 चाहिए, ठीक है। लास्ट में मुझे 1/4 एक लेफ्ट हैंड साइड में 1/4 ऐड करना पड़ेगा और एक राइट हैंड साइड में 1/4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले रफली सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो देखो, इस पे लगेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। इस पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगाते हैं इसको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आ गया, तो मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ इसको, 35/4, ठीक है। ये देखो, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर, एक्स वाले एक तरफ कर लो और बिना एक्स वाले एक तरफ कर लो, दिस वन, ठीक है। ये देखो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखो बेस सेम है ना, तो 36/4, 49 या 36, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर भी आ गया माइनस एक्स और प्लस नाइन, देखो ये पूरी टर्म हमारे पास रिपीट आ गई, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस नाइन, ये देखो ये निकल के आ गया, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे जे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था रफ पार्ट इसका, ठीक है। तो आगे मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आगे मैं इधर सॉल्व करता हूँ इसको, तो आगे देखो जे वाली इनक्वालिटी, मतलब जे वाली इनक्वालिटी को पूरी को इधर लिख दो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये जो मॉडल्स थे ना, मैंने ओपन कर दिए, ठीक है, ओपन कर दिए। फिर मैंने क्या किया, एक माइनस ज़ीरो लगा दिया इधर, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये वाला माइनस उड़ के, सॉरी प्लस, पहले प्लस नाइन आएगा, फिर ये वाला माइनस उड़ के इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये 21 इधर, और ये वाला लेस देन इधर चला जाएगा, ठीक है। फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो माइनस प्लस माइनस करके हमारे पास कितना बचेगा, -12, ठीक है, लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, फिर इस तरह से बना दो एक टर्म पूरी, ठीक है, लेस देन 12 और -0।
ऐसे लिखो दोस्तों, ठीक है। इसको आगे आगे इस नेक्स्ट स्टेप में लिखो या ना लिखो कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है। अब करो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स लेस देन 12, ठीक है। जहाँ पे ये वाला वन बाय फोर ये वाला वन बाय फोर एक लेफ्ट हैंड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड में वन बाय फोर डिवाइड कर दो और एक राइट हैंड साइड में वन बाय फोर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जहाँ पे कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन बाय फोर लेस देन 12 प्लस वन बाय फोर, ठीक है। फिर देखो देखो ये पूरी टर्म क्या थी, मॉडुलस में चली हुई थी ना ऊपर, दे देखो मॉडुलस में, तो लास्ट में हम इसको मॉडुलस में लिख देते हैं, ठीक है। कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 12 फोर जा 48 प्लस वन ओवर फोर। फिर देखो मॉडुलस x माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर 49/4, ठीक है। आगे मैं इधर करता हूँ, देखो x माइनस वन बाय टू, ठीक है, लेस देन, अब ये स्क्वायर इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 49/4 ये पूरे पे है, ठीक है, ऐसे। अब क्या करते हैं, आगे मैं इधर करता हूँ इसको, मॉडुलस एक्स माइनस वन बाय टू, ठीक है, लेस देन, देखो 7/2 लिख सकता हूँ ना, मतलब 49 का स्क्वायर टूटेगा तो 7, 4 का टूटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, ये देखो फिर क्या करना है, हमने देखो ये वाला x है ना हमें अकेला चाहिए सेंटर पे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x लेस देन a और माइनस a, ठीक है, लेस देन, सॉरी थोड़ा सा इधर लिखते हैं, मतलब माइनस a लेस देन a, सॉरी माइनस a लेस देन x लेस देन a, क्योंकि हमें x हमें अकेला चाहिए अकेला, ठीक है। तो हमें ऐसी टर्म चाहिए, अब हमें ए हमारे पास क्या है 7/2, ठीक है। तो ऐसा करना है, जहाँ जहाँ पे हमने ए लिखा हुआ है वहाँ पे 7/2 को पुट करना है, ठीक है। तो कर देते हैं हम ए की जगह पे 7/2 को पुट, बट हमें ये देखो एक्स हमें सेंटर में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें -1/2 को ऐड करना तो पड़ेगा, ठीक है, मतलब ऐड करना पड़ेगा, मतलब ए के साथ भी ऐड करना पड़ेगा एक बार, और इस ए के साथ भी ऐड करना पड़ेगा, और एक्स हमें अकेला चाहिए, तो इस ए सॉरी इस एक्स जो -1/2 है इसके साथ भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला रहा फार्मूला, तो अब हम आगे जहाँ पे पुट करते हैं इसको, ठीक है। देखो माइनस ए है ना, तो माइनस ए की जगह पे मैं क्या करता हूँ, माइनस मतलब ये है माइनस ए की जगह पे मैंने 7/2 पुट किया, ठीक है, ठीक है। फिर देखो ये 1/2 है ना, सब मैं एक बार ऐड कर देना, ये 1/2, ठीक है, लेस देन एक्स माइनस ये वाला पूरा लिख दो -1/2 प्लस 1/2, ठीक है, फिर लेस देन ये वाला मतलब ये वाला पूरा, ठीक है, मतलब 7/2, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है। ये देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। अब देखो मतलब 7 में से 1 गया 6/2 बचेगा, ठीक है। देखो एक्स हमें अकेला मिल गया, ठीक है, और इधर होगा 8/2, ठीक है। अब देखो ये देखो सिर्फ एक्स हमें अकेला चाहिए, और इसके सेंटर में कोई भी टर्म हो ना उसको ऐड कर दो सभी के साथ, ठीक है, तो फिर हमें सेंटर में एक्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो 3 से चला जाएगा 4 से चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज -3 लेस देन एक्स लेस देन 4, यही हमारा आंसर है। तो इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट, ठीक है, -3 से 4, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल नंबर कौन सी थी, 21, ये थी एग्जांपल नंबर 21, ठीक है। तो जैसे कि ये है एग्जांपल नंबर 20, इसका भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है, और एग्जांपल नंबर 19 का भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है।
और एग्जांपल नंबर 18 का भी सेम प्रोसीजर है। तो मतलब हमने सब में 1/4 लेके चलना है। देखो लास्ट में 1/4 इसमें भी है और 1/4 इसमें भी है, ठीक है। नेक्स्ट में भी सभी क्वेश्चन में 1/4 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है।